इस रेसिपी की तरफ जो है बूंदी रायता का, तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया कर्ड। तो ये जो दही है वो 400 ग्राम की दही है और ये पैकेट वाली दही ली है मैंने। अगर आप घर वाली ले रहे हैं तो उसको पहले हल्का सा फेंट के स्मूथ कर लें, तो ये ऑलरेडी स्मूथ होती है ये वाली जो दही होती है। और इसमें मैं मेजरिंग कप से 2 कप पानी डाल दूँगी और उसको फेंट के बिल्कुल पतला कर लूँगी, क्योंकि ये दही गाढ़ी होती है और बूंदी कर रायते में दही पतला होता है। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल पतला जैसे मट्ठा होता है वैसा कर लिया है। ये मैंने बेसन को फेंट करके उसका बूंदी निकाल लिया था, ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद उसको इसमें मैंने डाल दिया और इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं बूंदी को भिगो करके रख देते हैं गर्म पानी में फिर डालते हैं, तो मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से इसको थोड़ा सा मिक्स करने से ये होगा कि दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी बूंदी के साथ। और उसके बाद इसमें बारीक कटे हुए धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो बिल्कुल ये वेल सोक्ड हो जाएंगे और उसके बाद क्या करना है एक बार टेस्ट कर लें लास्ट में। और उसके बाद ये मैं टिश्यू से थोड़ा साइड पोंछ दे रही हूँ वाइप करके, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा बोल साफ साफ लगे जब हम लोग दावत के दस्तक खान पे रखें। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दिया है और उसके बाद रायता रेडी है।